लगता है बहुत थक गया हूँ, जो आराम की जरूरत है। इसलिए ऐसे अजीब अजीब चीजें हो रही है। कितने बजे का अपॉइंटमेंट कंफर्म किया है? पापा 10:30 का। हमें थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था घर से। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। आकाश? हाँ, टाइम पे पहुंच जाएंगे। क्या हुआ बेटा, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? तुम ठीक तो हो? क्या वहाँ तो कुछ भी नहीं है बेटा। आपके पीछे वो पीछे कुछ था ना? पीछे क्या वो? कुछ था, मैंने देखा। आकाश पीछे कुछ भी नहीं रखा है। तुम रात को जब से घर पर आए हो ना, तुम अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। आकाश तुम्हारा काम तो ठीक चल रहा है ना? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ये हाथ आकाश, क्या हुआ? तुम्हारा हाथ हाथ वो हाथ हाथ तो क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आकाश क्या हुआ आपको बेटा? अरे आर यू ऑल राइट? क्या हुआ? इट्स ओके, आई एम ऑल राइट। चलो बेटा। हाँ मैम, आई एम सॉरी। It's okay. डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, हम भी अपनी तरफ से ध्यान रखेंगे। इस बार बच्चा ठीक ठाक होना चाहिए। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पहले चेक तो कर लें। आइए आप बैठिए, आप आ सकते हैं। मैं आ सकती हूँ? हाँ जी हाँ, आप भी। घबराना नहीं, इस बार कुछ गलत नहीं होगा। ये देखिए आकाश, ये रहा आपका बच्चा। पेट में आत्मा है। आकाश तुम पागल हो गए हो क्या? ये आत्मा नहीं, हमारा बच्चा है ये। आकाश तुम चुपचाप बाहर जाके अपने पापा के पास बैठो, जाओ। टेंशन मत लो, तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा होगा। बस हो गया, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है आकाश। वहम? प्लीज तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। मेरे पास ना एक बहुत बढ़िया प्लान है। प्लीज आकाश, मैंने सब कुछ सोच रखा है, सच्ची। देखो आकाश, एक आदमी का नसीब एक ही बार उसका साथ दे सकता है, बार बार नहीं। इस बार तो मैंने जो बेस्ट शार्प शूटर है ना, उसको हायर किया है। तारा को तो चाहकर भी कोई आदमी बचा नहीं पाएगा। लेकिन ये सब ठीक से हो तो जाएगा ना संध्या? मैं सच में बहुत परेशान हूँ। कम ऑन आकाश, परेशान मत हो। अब सुनो मेरी बात,
समझे? तुम्हें तो बस इतना करना है कि अपनी अपनी प्यारी सी बीवी को लाके उस जंगल में छोड़ना है, और उसी जगह कह देना कोई सरप्राइज वगैरह है। बाकी का काम वो शूटर संभाल लेगा। ओके, आई विल डू दैट। बस ठीक है, जाओ। अच्छा सुनो, उसे शक बिल्कुल मत होने देना, ठीक है? ठीक है। अच्छा, हम पहुंच गए हैं। हम मैं आंखें खोल लूं? ओ नहीं नहीं, अभी ये सब आंखें खोल दोगी तो सरप्राइज का क्या होगा फिर? थोड़ी देर और रुक जाओ, जस्ट वेट। लगता है आप मुझे कैंडल लाइट डिनर पे लेकर आए हैं, है ना? हाँ हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। बता दूंगा तो आंखें बंद करने का फायदा क्या होगा? जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। धीरे बाहर निकल, संभालना बिल्कुल। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, वेरी गुड। संभाल के तरह। बस बस स्वीटहार्ट, हम पहुंच गए हैं बस। यस यस, हियर वी आर। आज तुम रुक क्यों गए हो? मैं अब आंखें खोलूं क्या? नहीं, प्लीज आंखें मत खोलना। एक्चुअली क्या है ना कि जो सरप्राइज गिफ्ट में तुम्हें लाया था ना, हाँ, वो कार में रह गया, मैं ले गया था। अरे आकाश, तुम मुझे अकेला छोड़ के जाओगे? कोई मुझे देखेगा तो बेवकूफ समझेगा। प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। सारा प्लीज डरो मत ना, यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ और तुम, और कोई नहीं। I'm just coming. Don't move. आकाश, don't move. आकाश, प्लीज जान मत। आकाश, आकाश, कहाँ चले गए? आकाश, रुक जाओ। कौन है तुम? आकाश, आकाश, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो मुझे। देखो, अगर तुम कुछ करोगे तो मैं चिल्ला दूंगी। मैं तो चिल्ला क्योंकि तेरी आवाज जानवर सुन ले तो ठीक। दूर दूर तक यहाँ ना इंसान है ना उसका परछाई। चिल्ला। बचाओ मुझे क्या हो रहा है? तुम वही जिससे पैसे लेकर तुमने ये काम करने की कोशिश की थी, उसकी बीवी की आत्मा हूं मैं। एक शूटर ने मुझे मार डाला और अब तुम मरोगे। बचाओ।
Cheers. Congratulations to our success. Finally, Akash, हम दोनों साथ में हैं. कितने दिनों से मैं इस पल का इंतजार कर रही थी. हाँ संध्या, खुश तो बहुत हूँ मैं आज, बहुत खुश हूँ. लेकिन लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तारा के लिए मम्मी पापा को बताने के लिए कौन सा बहाना ढूंढूं. बहाना? बहाना तो मैं ढूंढ चुकी. अंकल आंटी को सिर्फ ये कह देना कि तारा जो है गायब हो गई है. गायब? ना तो उसका फोन लग रहा है और ना ही किसी दोस्त से उसके बारे में कुछ पता चल रहा है. साथ में ये भी बता देना कि उसका इतनी बार मिसकैरेज हो गया, इसलिए वो बहुत परेशान सी हो गई थी. और जिस परेशानी की वजह से उसने ये सोच लिया कि इस बार भी वो तुम्हें बच्चा नहीं दे पाएगी. बस उससे क्या होगा? उससे ये होगा जनाब कि हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा और उसके बाद हम ये करेंगे कि पेपर में एक उसका मिसिंग का एड दे देंगे. फिर क्या, किसी कबाड़ी को बुला के बेच देंगे पेपर्स. मिलने थोड़ी ना वाली है. शक किसी को नहीं होगा. आकर ग्रेट. वाओ सर, सच में क्या कहानियां बनाती हो तुम. तुम कैसे बच गई जंगल से? वैसे ही बची आकाश, जैसे पिछली बार बची थी. मतलब डरो मत, मुझे तो तुम दोनों पे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन तुम मुझे डिनर के लिए लाए थे और तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड ने मेरे खाने में जहर मिलाया था. लेकिन लेकिन तुम उस रात बच कैसे गई? बची कहाँ आकाश, तुम्हारी उस चाल से मैं नहीं बच पाई. नहीं बच पाई, इसका क्या मतलब हुआ? उस रात तो हमने तुम्हें जंगल में पहुंचवाया था. हाँ? उसके बाद तुम घर भी वापस आ गई थी. फिर तुम ये क्यों कह रही हो कि तुम बच नहीं पाई? सुनना चाहते हो उस रात की कहानी? तो सुनो. और मैंने उसे मार डाला, खून कर डाला मैंने उसका. अब ये बताओ तुम में से पहले कौन मरेगा? Oh my God. Yes. No. आकाश भागो! अंदर से बंद है. नहीं खोल रहा आकाश,
नहीं कुरान। संध्या दरवाजा खोलो, मुझे प्लीज निकालो यहाँ से। संध्या तुम दरवाजे से दूर रहो, मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ, हट जा तू। मुझे माफ कर दो, मुझे प्लीज जाने दो। तारा मुझे मुझे जाने दो, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। तारा मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आकाश ये मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो आकाश प्लीज। संध्या 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 संध्या।